वेल दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 की आन बान व शान अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप राजन को लग चुकी है किसी की बुरी नजर। एक ऐसा साया मंडरा चुका है अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप राजन पर, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे हैं। दोनों के रिश्ते में पूरी तरह से खटास आ चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह बीता एपिसोड था, जहां पर बीते एपिसोड से ही दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई हो चुकी है और दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत तक नहीं कर रहे हैं इन दिनों, और ऐसे में इंडियन आइडल सीजन 12 के पवनदीप राजन की माँ भी काफी ज्यादा परेशान है अपने होने वाली बहू और साथ ही साथ अपने बेटे को लेकर। जी हाँ, पवनदीप राजन को लेकर और अरुणिता कांचीलाल को लेकर काफी ज्यादा परेशान चल रही है। अब ऐसे में वो करने वाली है कुछ ऐसा कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल के बीच में जितने भी गिले शिकवे हैं, जितने भी दूरियां हैं, वो सारी की सारी दूरियां पूरी तरह से नजदीकियों में तब्दील हो जाएंगी। अब ऐसा क्या करने वाली है, ऐसा कौन सा सरप्राइज देने वाली है पवनदीप राजन की माँ सरोज राजन, आइए आप सभी दर्शकों को हम बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में दोस्तों। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। सरोज राजन का इंटरव्यू हमने लिया, सरोज राजन से ये जानना चाहा कि आपको क्या लगता है और आपको कैसा लगता है जब आपके बेटे का नाम जब अरुणिता के साथ जोड़ा जाता है। तब सरोज राजन ने बहुत ज़्यादा खुशी जताते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी हमारे न्यूज़ चैनल को, और जैसे कि उन्होंने ये बताया था कि उनका बेटा जो है अरुणिता के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा सहज महसूस करता है और काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। इतना खुश तो हमने कभी भी अपने घर में नहीं देखा पवनदीप राजन को। पवनदीप राजन जो है काफ़ी मेहनती लड़का है और साथ ही साथ वो हमेशा अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा वफादार है। पहली बार उसको मुस्कुराते, इस तरह से मुस्कुराते हमने देखा अरुणिता कांचीलाल के साथ। ये हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और इनकी जोड़ी और इनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती है हमें, इस तरह की बातें बोलते हुए दिखाई दी। अब जो है दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह भी सामने आ चुकी है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें अरुणिता का एक छोटा सा प्रैंक पवनदीप राजन के दिल को पूरी तरह से तार तार कर दिया और साथ ही साथ वो नाराज़ हो गए। अब दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, अब दूरियों को पास और नजदीकियों में तब्दील करने के लिए पवनदीप राजन की मां जो है बड़ी पहल करते हुए दिखाई दे रही है और साथ ही साथ इसीलिए वो मुंबई आने वाली हैं, जहां पर वो कुछ दिनों तक रहेंगी पवनदीप राजन के साथ, अरुणिता कांचीलाल के साथ, और दोनों के बीच में जितने भी गिले शिकवे हैं वो सारे के सारे गिले शिकवों को पूरी तरह से दूर कर देंगी, पूरी तरह से नजदीकियों में तब्दील कर देंगी। वेल दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 का ग्रैंड फिनाले एपिसोड जो है 8 जुलाई को होने वाला है और साथ ही साथ ऐसे में बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है सारे के सारे कंटेस्टेंट के पास। ऐसे में उनके सारे कंटेस्टेंट के पेरेंट्स लोग जो हैं उनके साथ रहने के लिए मुंबई आ रहे हैं। वेल दोस्तों, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ शेयर कर लें।